हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं हिंदी टेक्निकल न्यूज़। दोस्तों, अगर आपको मराठी लिखनी है फोटोशॉप में तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे गूगल IME टूल में, उसे मराठी या हिंदी सेलेक्ट करेंगे और फोटोशॉप में लिखने की ट्राई करेंगे। पर दोस्तों, आपको बता दूं, ये टूल काम नहीं करने वाला। अगर आप यूट्यूबर है और आप मराठी लिखना चाहते हैं अपने थंबनेल में तो भूल जाइए, नहीं होने वाला। तो दोस्तों, ये करने का तरीका कैसा है? अगर आपको APS डिज़ाइनर या कोई भी मराठी या हिंदी लिखने वाला जो सॉफ्टवेयर आता है या टूल आता है, आपको आता नहीं है, आप ट्राई करोगे, कुछ नहीं होने वाला। बहुत टाइम पास हो जाएगा, बहुत समय भी चला जाएगा और डॉक्यूमेंट लिखना भी रह जाएगा या थंबनेल बनाना भी रह जाएगा। ऐसे में क्या करें? आपको देता हूँ एक आइडिया जो मैं यूज़ करता हूँ। मुझे नहीं आता APS डिज़ाइनर या कोई भी सॉफ्टवेयर, मुझे आता है यूनिकोड जो गूगल IME टूल है। मैं मराठी या हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसे कन्वर्ट कर लेता हूँ कृतिदेव फॉन्ट में। तो दोस्तों, चलिए आपको बताता हूँ कि फोटोशॉप में आप मराठी हिंदी बहुत आसानी से और अच्छी तरह कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मेरे लैपटॉप में। लैपटॉप में हम फोटोशॉप ओपन कर देते हैं। फोटोशॉप ओपन करने के बाद कोई फाइल ले लेते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट से। ये मैंने एक थंबनेल बनाया था, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आपको गूगल IME टूल के बारे में पता ही होगा, जो हम मराठी हिंदी यूनिकोड लैंग्वेज से लिखते हैं। अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दी है, उसे क्लिक करके उसके बारे में बनाया गया वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं उसे यहाँ यूज करता हूँ। देखो, मैंने गूगल IME टूल यूज करना देखो मैं गूगल IME टूल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने दो लैंग्वेजेस इंस्टॉल की है, तो मैं हिंदी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जो भी हिंदी में, हिंदी कुछ इस तरह आ रहा है। मैंने ऊपर भी मंगल नाम का फॉन्ट सेलेक्ट करके रखा है जो बाय डिफॉल्ट गूगल IME टूल के साथ आता है। हिंदी टेक्निकल न्यूज़। देखो दोस्तों, मैंने IME टूल से हिंदी टाइप की है, देखो कुछ इस तरह आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब हम गूगल IME टूल डायरेक्टली फोटोशॉप में यूज नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, फिर कैसे यूज कर सकते हैं? तो चलिए हम चलते हैं एक नए वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट का नाम है सॉफ्टवेयर फुकट। हम सर्च करते हैं, देखो ये वेबसाइट यहाँ पे खुल जाती है। खुलने के बाद देखिए, यहाँ पे एक पोस्ट है जो मराठी में है, आप उसे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर मधे मराठी हिंदी कशी लिखता, इट्स अ मराठी लैंग्वेज। आप यहाँ यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए कृतिदेव फॉन्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा कृतिदेव फॉन्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे डाउनलोड बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सिंपली से यहां से आपको डाउनलोड करना है। ये मैंने डाउनलोड करके रखा है, ये डाउनलोड कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको दिखाना है डिटेल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, जीप फाइल है तो ये चार फाइल यहाँ पे खुल गई है। यहां से मैं कृतिदेव फॉन्ट ये K10 जो लिखा है उसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको जाना है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जाने के बाद विंडोज में, विंडोज में जाने के बाद आपको सर्च करना है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स में जाके
आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट करके रखा है, इसलिए वो रिप्लेस बोल रहा है। मैं यहाँ पे नो बोल देता हूँ, मगर आपको यहाँ पे यह कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, आपको ये रिप्लेसमेंट नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही उसे पेस्ट करके रखा है, इसलिए वो रिप्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये होने के बाद आपको जाना है एक नए वेबसाइट में। नहीं, ये होने के बाद आप देखिए यहां पे जो आप सेलेक्ट करोगे तो एक बार चेक कर लेना, यहां पे जो हमने फॉन्ट डाल दिया है वो आया है या नहीं। के ये देखिए कृति देव फॉन्ट्स जो हमने अभी पेस्ट किया है वो यहाँ पे लिस्ट में दिखा रहा है। ओके, तो अब जाना है एक नए वेबसाइट में, वहां पे सर्च करेंगे। यूनिकोड टू कृति देव, ये देखिए दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं एक ले लेता हूं, ये देखिए ये यूनिकोड है। यूनिकोड मतलब हम गूगल आईएमई टूल से जो लिखते हैं उसे यूनिकोड कहते हैं। अब यहां पे लिखता हूं मैं हिंदी, यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं पहले हिंदी, अब लिखता हूं हिंदी टेक्निकल आ नहीं रहा है। हिंदी टेक्निकल न्यूज, देखिए मैंने यहां पे यूनिकोड में लिख दिया इसका, और अब मैं इसे इस एरो को क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद देखिए कृति देव के बॉक्स में कुछ इस तरह से आ चुका है। मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूं और अपने फोटोशॉप में जाता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है, इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, ऊपर जाता हूं, हमने जो कृति देव फॉन्ट इंस्टॉल किया था उसे सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए कृति देव, और देखिए दोस्तों एक कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिख सके। देखिए दोस्तों एक ये ठीक से दिख रहा है, हिंदी टेक्निकल न्यूज। तो दोस्तों इसी तरह आप बिना एपीएस डिजाइनर के किसी सॉफ्टवेयर के बस यूनिकोड जो गूगल का आईएमई टूल है उसका इस्तेमाल करते हुए फोटोशॉप में मराठी हिंदी लिख सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, ये काम करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, आप वहां पर भी इसे यूज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की टेक न्यूज, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और आप जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लोगों की स्मार्ट पसंद हिंदी टेक्निकल न्यूज के साथ और खुद को टेक्नोलॉजी के दुनिया में अपडेट रखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आइए। वीडियो के नीचे आपको दिखेगा सब्सक्राइब नाम का बटन, उसे क्लिक कर दीजिए। उसे क्लिक करने के बाद बेल का सिंबल आएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए। ये करने से आपको मिलेगी यह आने वाली हर टेक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और बिल्कुल फ्री।